लोग निकल चुके हैं भाई केदारनाथ ट्रैक के लिए। आज ट्रैकिंग कर रहे हैं और कल दर्शन करेंगे, क्योंकि आज मंदिर बंद रहेगा, कुछ सूर्य ग्रहण है इसके वजह से। तो मिलेंगे ऊपर। ये पार्किंग जोन है जो कि यहाँ पे गाड़ी सब पार्क करते हैं, आगे जाना पड़ता है। हम लोग का जो बाइक होता है और बाइक वगैरह कार वगैरह होता है, यहाँ पे ही पार्क करते हैं और आगे जाते हैं। और भाई आगे लेने गौरीकुंड से आपको टैक्सी से या फिर कोई भी वैन से आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से पर्सनल जो गाड़ी होता है वो नहीं जाने देते, वो खुद का ही गाड़ी से आपको गौरीकुंड से छोड़ेंगे। घर से 5 किलोमीटर का जो 5 किलोमीटर वो आपको किसी भी वैन में या फिर टैक्सी में आना पड़ता है। उसके बाद फुट ट्रैक स्टार्ट होता है 16 किलोमीटर का, जो अभी हम लोग का चल रहा है। भाई ये देखो भाई, ऐसे करके पूरा ऐसे और ऐसे ऊपर से उधर तब जाना है। ऐसे ही रास्ता है भाई इधर का। तो भाई आधा दूर भी नहीं आया है और हमारा एक साथी भाई, इसको घोड़ा चाहिए, मतलब वो चढ़ नहीं पाऊंगा बोला, तो इसलिए उनके लिए घोड़ा बुक कर दिए। और भाई एक तो जाएगा घोड़े में और हम भाई जल्दी जल्दी जाएंगे केदारनाथ तक। और ये भैरव बाबा, क्या ही ब्यूटीफुल व्यू भाई। भाई आधा दूरी है और इतने में ये सारा दम निकल गया भाई, अभी फिर चढ़ना है। ये देखो चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? सब ऐसे ही चढ़ाइए भाई पूरा, बहुत भाई टफ चढ़ाई भाई, बहुत टफ चढ़ाई है। ट्रैकिंग शुरू किया थे 1 बजे से और भाई अभी का टाइम हुआ है शायद 6 बजे होगा, 5:48। तो भाई 6 घंटा में हम लोग खाली 12 किलोमीटर ही ट्रैक कर पाए हैं भाई। इतना खाड़ी चढ़ाई है क्या ही बोलूँ भाई, भयंकर खाड़ी चढ़ाई है भाई। भाई प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ नहीं आए वो भाई तो बहुत पछताना पड़ेगा आपको भाई, सच्ची भाई बहुत पछताना पड़ेगा। बेस कैंप तो पहुँच गए, उतने में हालत पूरा टाइट है। तो फाइनली भाई हम लोग पहुँच गए केदारनाथ में और केदार जी का दर्शन हो गया दूर से ही। ये देखो हाँ मंदिर दिख रहा है और भाई मेरा नंगे पाँव मन्नत भी पूरा हो गया भाई भगवान की दया से। रात सुबह का 1 बजे से चल रहे थे हम लोग, अभी बजा है 8 के ऊपर हो गया है। भगवान गुड मॉर्निंग गाइस। और भाई मैं सुबह निकल गया हूँ क्योंकि जो केदारनाथ का सनराइज़ होता है भाई बहुत ही खूबसूरत होता है, और ठंड तो भाई क्या ही बोलूँ, ठंड का तो -5 पे चला गया था रात को, अभी कितना होगा क्या पता, लेकिन बहुत ठंड है भाई। चलो आगे चलते हैं, दिखाता हूँ आपको सनराइज़ का व्यू।
तो भाई सुबह का जो व्यू था बहुत ही अच्छा व्यू था, और जो ठंडी थी भाई क्या ही बोलूँ। और भाई अभी नहा धो के फ्रेश हो के अभी निकले हैं हम लोग, निकल गए मंदिर के लिए, और भाई दर्शन करके फिर से निकलेंगे। ना ठंडी है ना भाई, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। और भाई हम सब जा रहे हैं मंदिर, ये मेरा दोस्त है सब। जय श्री महाकाल। जय महाकाल भाई। तो भाई दर्शन तो अच्छे से हो गया पूरा, और भाई मैं एक बार नहीं दो बार दर्शन किया, क्योंकि भाई मन भरा ही नहीं, तो इसलिए भाई दो बार दर्शन किया। तो ये है वो शिला, मतलब जो बाढ़ आया था 2013 में, तो ये भीम शिला है, इसके वजह से मंदिर को कुछ भी असर नहीं हुआ। और ये बाबा का पालकी है जो कल नीचे जाएगा। कपाट बंद होने वाला है, इसके लिए भाई बहुत से कार्यक्रम किया जा रहा है। ये देखो इंडियन आर्मी की तरफ से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। भाई केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर है, और भाई यहाँ पे मंदाकिनी नदी को पांच नदी का संगम माना जाता है, जो एक टू एक है मंदाकिनी, एक क्षीरगंगा, स्वर्ण गौरी और कुछ सरस्वती नदी, इस नदी को पांच नदी का संगम माना जाता है। तो फाइनली पहुँच गए भाई भैरवा में। यहाँ का क्षेत्रपालक है। ये मंदिर को पांडवों ने बनाया था महाभारत के टाइम में। ये मंदिर को करीबन 1000 साल हो गया, ऊपर हो गया,
भाई जब डैशवे के टाइम में भाई बहुत नुकसान हुआ था, इसके वजह से भाई अभी जो गवर्नमेंट ने भाई बहुत ही तैयारी की है कि दूसरा कभी हो तो भाई उतना कुछ बर्बाद ना हो बोल के। अभी देखो यहाँ पे 3 लेयर का प्रोटेक्शन बनाया जा रहा है। जो ये ध्वनि मंदिर है, या जब आप हर हर महादेव बोलोगे तो नीचे से बबल्स उठते हैं और बोला जाता है कि ये बाबा का आशीर्वाद है बोल के। अभी सब यात्री भाई वापिस जा रहे हैं क्योंकि कल कपाट बंद होने वाला है, 8:30 को कपाट बंद होगा, तो इसलिए सब यात्री यहाँ से निकल रहे हैं। तो भाई हम भी निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे होटल का सब जुलोचा है, क्योंकि सब होटल बंद करके सब निकल गए हैं, तो इसलिए रुकना यहाँ पे सेफ नहीं है, तो निकलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और भाई हम तो आ गए केदारनाथ से, और केदारनाथ से भाई अभी जाएंगे भाई टूंगनाथ चोपटा के लिए। जो टूंगनाथ महादेव है वो जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक पे जो शिव मंदिर है